बच्चों कैसे हैं आप? बढ़िया फर्स्ट क्लास। चलिए मैं भी बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास। चलिए बच्चों अब अपन आगे टॉपिक को पढ़ाते हैं। अपन ने अब तक बहुत सारी बातें पढ़ी हैं। मीटिंग टॉपिक्स में अपन ने क्या क्या पढ़ा? मीटिंग टॉपिक्स में हमने पढ़ा प्रॉक्सी कौन होता है, ए गन विदाउट ए बुलेट, सिंपली एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई वैल्यू नहीं, धनिया बना दिया उसका, गया और कह रहे चुप चुप चुप, क्लियर। चलिए फिर हमने पढ़ा चेयरमैन, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन पहले ऐसे और बाद में पोल डालेंगे, वोट डालेंगे उसके बाद, क्लियर। ऐसी बहुत सारी बातें हमने पढ़ी। फिर हमने पढ़ा क्या, ऑर्डिनरी बिजनेस स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस में वोट्स एक्सीड कर जाते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, स्पेशल बिजनेस, क्लियर। ऐसी बहुत सारी बातें पढ़ी। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रीड किया बच्चों मिनट्स। मिनट्स बुक क्या होती है, क्या होती है जिसमें मिनट लिखते हैं, वो होती है मिनट मीन्स समरी ऑफ द बुक, क्लियर। ऐसी बहुत सारी बातें हम लोगों ने बच्चों रीड किया। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। वो क्या कहता है, बार बार आ रहा है बच्चों, बार बार समझाना पड़ रहा है कि ये क्या होता है। ये होता है बच्चों एक पोस्टर बैलेट। पोस्टर बैलेट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। पोस्टर बैलेट एक क्या चीज होती है, मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। इस पोस्टर बैलेट का मतलब क्या रहता है, ये पोस्टर बैलेट क्या होता है। पोस्टर बैलेट बच्चों क्या होता है, नॉर्मली मीटिंग होती है, सपोज मीटिंग होती है, उस मीटिंग में कितने लोग आते हैं, सपोज थाउजेंड्स मेंबर्स उस मीटिंग के हैं। नॉर्मली वी आर टेकिंग थाउजेंड मेंबर्स, उस मीटिंग में थाउजेंड मेंबर्स हैं। नॉर्मली 15, 20, 25, 100 मेंबर्स तक आ जाएंगे। 100 मान लीजिए, 200 मान लीजिए सपोज, क्लियर। 200 मेंबर्स आए, उन्होंने जो भी डिसीजन लिए, जो भी रिजोल्यूशन पास हुए, वो डिसीजन फाइनल। अब जो 800 मेंबर्स थे, उन्होंने वो मीटिंग में नहीं आए, ना ही उनसे रिजोल्यूशन लिए गए, तो इस वजह से क्या हुआ, कुछ ऐसे डिसीजन जो कि सभी मेंबर्स की रजामंदी से लिए जाने चाहिए, चाहे वो मीटिंग में आ पाए या नहीं आ पाए। ध्यान से, कुछ ऐसे डिसीजन जो सभी मेंबर्स की कंसेंट से लिए जाने चाहिए, वेदर दे आर कमिंग टू अटेंड द मीटिंग और नॉट। सिंपली वो मीटिंग में आ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ सकते तो भी अच्छी बात है, लेकिन उनका यस और नो होना जरूरी है किसी रिजोल्यूशन पर, कि कोई बात है कि इसमें आपका पूछा जाना जरूरी है। ऐसे कुछ डिसीजन जो मीटिंग में लिए जाने चाहिए, जिसमें सभी लोगों का, सभी मेंबर्स का यस और नो होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कुछ डिसीजंस को बोला जाता है, जो डिसीजन सभी मेंबर्स लेते हैं वो पोस्टर बैलेट के थ्रू लिए जाएंगे, सिंपली। अब ये पोस्टर बैलेट क्या होता है, इट इंक्लूड्स, हम पोस्ट से भेज देते हैं, क्या होता है मीटिंग से पहले जब नोटिस जाता है, नोटिस कितने दिन पहले जाता है, एटलीस्ट 21 क्लियर डेज पहले जाता है। उसके साथ हम एक जो भी मीटिंग में रिजोल्यूशन लिए जाना है, जिन पर डिसीजन लिया जाना है, उनसे रिलेटेड क्वेरी को हम उस फॉर्मेट में दे देते हैं और उसमें मेंबर्स की यस और नो हम पूछ लेते हैं। तो जिस जिस मेंबर के पास नोटिस जाएगा, जिस जिस मेंबर के पास नोटिस जाएगा, उस मेंबर के पास पोस्टर बैलेट भी जाएगा। अब पोस्टर बैलेट भी जाएगा तो वो पर्सन उस पर अपनी यस और नो 100% करेगा फाइनली। तो इट मीन्स क्या हुआ कि 100% मेंबर्स ने, कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं, 100% के 100 मेंबर्स की यस और नो आ गई। तो कुछ ऐसे डिसीजन, फिर बोल रहा हूं, कुछ ऐसे बिजनेस, कुछ ऐसे रिजोल्यूशन जिनमें सभी लोगों का यस और नो कंपनी को चाहिए होता है, ताकि बाद में मेंबर्स ऑब्जेक्शन नहीं उठाए कि हमसे तो पूछा नहीं गया, रिजोल्यूशन पास कर देगा, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आया बच्चों जिसका नाम है पोस्टल बैलेट, कि आप भेज दीजिए, आप अपने यस और नो दे दीजिए, बात खत्म, क्लियर। सभी मेंबर्स की रजामंदी से ये काम हुआ है फाइनली। अब इसी में आगे चलते हैं। इसकी कुछ कट ऑफ डेट होती है, यस कट ऑफ डेट होती है। जब वो आ जाते हैं डिसीजन, उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है, लिस्ट बनाने के बाद बता दिया जाता है कंपनी को कि ऐसे ऐसे लोगों ने यस और नो इसी डिसीजन पर किया है। जरूरी नहीं कि कोई भी कैसे कर सकता है, अपनी सभी वर्ड्स भी यूज कर सकता है, जैसे वो यस करे तो ठीक है, नो करे तो ठीक है, क्लियर। तो पोस्टर बैलेट का कंसेप्ट समझा। मेनली क्या होता है, उन डिसीजंस के लिए जो सभी मेंबर्स के ऊपर इफेक्ट डालते हो, सभी मेंबर्स के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हो, उन्हीं डिसीजंस को पोस्टर बैलेट के थ्रू लिया जाना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे डिसीजन को प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि ये जो डिसीजन है केवल और केवल पोस्टर बैलेट से ही लिए जाएंगे, इनको किसी और मोड से नहीं लिया जाना चाहिए, क्लियर। कॉन्सेप्ट डन, ठीक है, चलते हैं आगे। अब क्या कहते हैं पोस्टर बैलेट, पोस्टर बैलेट का क्या मतलब है। पोस्टर बैलेट का मतलब ये है कि जो वोटिंग की जा रही है, ठीक है, वोटिंग की जानी चाहिए, वो कैसे की जानी चाहिए,
या तो करो आप पोस्ट के थ्रू, वोटिंग कैसे करो, या तो थ्रू पोस्ट करो या इलेक्ट्रॉनिक मोड करो, कैसे भी करो पर वोटिंग करो, सिंपली वोट करो। अरे प्यारे मेंबर्स, ओ मेरे प्यारे मेंबर्स हो, वोट तो करो यार, चाहे कैसे भी करो, घर बैठे करो, नो प्रॉब्लम, इलेक्ट्रॉनिक मोड से करो, नो प्रॉब्लम, आके दो, नो प्रॉब्लम, पर अपना डिसीजन तो दो। वो डिसीजन जो दिया जाना है इसी को बोलते हैं पोस्टल बैलेट से वो डिसीजन लिया जाना चाहिए। जैसे कहते हैं क्या, वोटिंग बाय पोस्ट और थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी लिया जा सकता है, पोस्ट से भी लिया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। तो पोस्ट बैलेट में क्या क्या इंक्लूड हुआ, नंबर एक तो आपका क्या इंक्लूड हुआ, पोस्ट, ठीक है ना, सिंपल हम पोस्ट यहाँ से डाल देते हैं रेड बॉक्स में और घर पर चले जाता है। यस, वो डिसीजन लिखता है, देखता है, पढ़ता है लेटर को, एक कंटेंट के रूप में आता है, पूरा एक लेटर भर रहा, उसको पढ़ता है, उस पर अपना डिसीजन देता है। दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक मोड से, हम उसको कुछ बता देते हैं कि आपको डिसीजन देने हैं, आपको मेल कर दिया, आप ओपन करेंगे, जैसे जैसे आप डिसीजन पर यस और नो कर दीजिए, फिर हम आपके डिसीजन को एक्सेप्टेंस दे देंगे। क्लियर, ऐसा ही होता है। सॉरी बच्चों, अब कह रहे जी अगर कोई डिसीजन ऐसे दे दिया गया तो क्या वो मेंबर मीटिंग अटेंड करने के लिए आ सकता है, बिल्कुल अटेंड करने आ सकता है, मीटिंग में कहीं कोई टेंशन नहीं। क्या वो अगेन उस डिसीजन को दोबारा से ले सकता है जिसके लिए मीटिंग में, जिसके लिए उसने पोस्टल बैलेट से डिसीजन दे दिया था, आंसर इज नो। क्यों भाई, अरे यार पहले ही ऑलरेडी दे चुका है, एक चीज पर यस या नो कर चुका है, फिर अगेन मीटिंग में आएगा, चाय पिए, समोसे खाए, नो टेंशन, खाना खाए, नो टेंशन, बोले, नो टेंशन, वोट देने का अधिकार खत्म हो जाता है जिस पर वो ऑलरेडी वोट कर चुका है उस पर। जिन पर नहीं किया है यस कर सकता है, नो इश्यू, जिन पर नहीं किया वो मीटिंग में आए और कर ले, कोई टेंशन नहीं। नॉर्मली लोग इसको जब एक्सेप्टेंस दे देते हैं तो मीटिंग में प्रेफरेबली वो नहीं आना चाहते, मीटिंग में नहीं आना चाहते, इसी के लिए तो कॉन्सेप्ट आया, अगर मीटिंग में आना चाहते तो सारे डिसीजन मीटिंग में ना ले लिए जाते। क्लियर, चलिए आगे बच्चों हम पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स वोटिंग बाय शेयर होल्डर बाय पोस्टल और इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीड ऑफ वोटिंग पर्सनली, कह रहा है इंस्टीड ऑफ वोटिंग पर्सनली, पर्सनली नहीं की जानी है वोटिंग जो है वो, पर्सनली नहीं की जानी है, ठीक है। फॉर ट्रांजैक्टिंग बिजनेस इन जीएम ऑफ द मीटिंग, मीटिंग जो है जीएम की उसमें कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो यस वो वोटिंग की जानी है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड या पोस्टल से, पोस्टल से, इन दोनों के अलावा कोई भी मोड अपने को नहीं लेना है, पर्सनली तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, पर्सनली अगर लेते तो इसकी नीड नहीं थी। हाँ मीटिंग में आओ और अपना पर्सनली दे दो, नो प्रॉब्लम। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड थ्रू पोस्टल बैलेट ओनली, क्या कह रहे हैं, बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड थ्रू पोस्टल बैलेट ओनली। अब ये डिसीजन कैसे होते हैं, ये डिसीजन होते हैं जो सीजी ने प्रेस्क्राइब किया कि ये वाले डिसीजन ओनली एंड ओनली बाय मीन्स ऑफ पोस्टल बैलेट ही लिए जाएंगे, मतलब इसमें सभी मेंबर्स की रजामंदी की आवश्यकता है, देयर इज अ नीड ऑफ ऑल द मेंबर्स एसेंट ऑब्लिक रिजेक्शन, सिंपली उनकी हाँ चाहिए या ना चाहिए वो अपने को पता होना चाहिए, तो कंपनी ने ये बोला है, सेक्शन 110 वेरी मच इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जी फॉरेन टर्म्स ऑफ बिजनेस शैल बी ट्रांजेक्टेड ओनली बाय मीन्स ऑफ वोटिंग थ्रू ए पोस्टल बैलेट, only by means of, important highlight this, only by means of voting through a postal ballot, कौन कौन सी, ध्यान सुनिएगा। नंबर एक कह रहे जी नॉर्मली बच्चे जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक आपका चैप्टर मेमोरेंडम, मेमोरेंडम पढ़ा, आर्टिकल पढ़ा, उसमें बहुत सारे डिसीजन जो लिए जाते हैं नॉर्मली उन चीज पर डिसीजन, एक आपका शेयर कैपिटल का जो चैप्टर है जो हम लोगों ने डन कर लिया है, खत्म कर लिया, फिनिश कर लिया, उससे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स इसमें आएंगे। ये जितने भी डिसीजन है वो डिसीजन के लिए बोल रहा है कि वो डिसीजन कैसे लिए जाने चाहिए, ओनली एंड ओनली बाय पोस्टल बैलेट मीन से लिए जाने चाहिए और किसी मीन से वो डिसीजन नहीं लिए जाने चाहिए, वो डिसीजन ओनली एंड ओनली बाय मीन ऑफ पोस्टल बैलेट लिए जाने चाहिए और किसी मीन से वो डिसीजन नहीं लिए जाने चाहिए। चलिए बात करते हैं क्या क्या कह रहे हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्लॉज, आप कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर, मतलब पहले कंपनी बना रही है क्या, पहले कंपनी बना रही है मोबाइल फोन, क्लियर, और अब कंपनी आ गई है सैनिटाइजर के बिजनेस में, सैनिटाइजर के बिजनेस में, सिंपली कंपनी ने क्या कर दिया, अपना ऑब्जेक्ट ही चेंज कर दिया, आंसर इज यस,
क्या आपने ऑब्जेक्ट क्लोज को चेंज कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, क्लोज करने को चेंज करने में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन चेंज करने के लिए सभी मेंबर्स की रजामंदी की नीड है, इसके लिए पोस्टबलेट से जरूरी है। तो क्या करें, सबसे पहला ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज, दूसरा क्या करें ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स, इंसर्शन और रिमूवल प्रोविजन इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट ए प्राइवेट कंपनी, मतलब बात कर सकते हैं हम कि ऐड करेंगे प्राइवेट कंपनी को या रिमूव करेंगे, मतलब उसकी जगह पर अपन क्या बनाएंगे पब्लिक कंपनी। तो इनके लिए किस डिसीजन की जरूरत है आपके, कह रहे जी इनके लिए आपको डिसीजन की जरूरत है, कौन से इनके लिए आपको डिसीजन की जरूरत है, सभी मेंबर्स की, सभी मेंबर्स की तरफ से हाँ होगी तभी आपको ये काम करना है, अदरवाइज नहीं करना है। दूसरा तीसरा क्या कह रहा है, चेंज इन प्लेस, कौन सा रजिस्टर्ड ऑफिस का, रजिस्टर्ड ऑफिस का चेंज करना प्लेस, कहाँ से, लोकल लिमिट से बाहर, लोकल लिमिट से बाहर मतलब यहाँ से, सपोज विद इन द सेम सिटी, सेम सिटी से बाहर करना, कुल मिलाकर हम सिटी से बाहर जाना चाह रहे हैं, ठीक है, इधर वी आर गोइंग टू सेम स्टेट, डिफरेंट स्टेट, वट एवर द सीन में भी, लेकिन आपको डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है सभी मेंबर्स इसके लिए रेडी नहीं हो कि आप डिसीजन बदल, जब मन करे, जब आप कभी गुरुग्राम कर देते हैं, कभी फरीदाबाद कर देते हैं, कभी हिसार कर देते हैं, कभी सोनीपत कर देते हैं, कभी रोहतक कर देते हैं, सारे के सारे हैं तो डिसीजन एक ही स्टेट के, सारे की सारी चीज़ें हैं तो एक ही स्टेट की, लेकिन कह रहे जी अगर चेंज करना है, इफ यू हैव टू चेंज दैट प्लेस देन यू हैव टू आस्क फ्रॉम ऑल द मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स की यस और नो चाहिए ही चाहिए। चलिए कह रहे चेंज इन ऑब्जेक्ट फॉर विच ए कंपनी हैज बीन रेज्ड मनी फ्रॉम प्रोस्पेक्टस और कुछ अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है, कुछ याद है, चलिए बात कर रहे तुम कि ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ऑब्जेक्ट बनाया कि हम बनाएंगे वेबकैम, ठीक है, हम बनाएंगे कंपनी, कंपनी जो बनाएगी वो क्या बनाएगी, 100% कंपनी बनाएगी आपके बच्चों वेबकैम बनाएगी, ठीक है जी। लेकिन क्या हुआ, अब वेबकैम बना रही थी तो वेबकैम की ज्यादा सेल नहीं, और तो सीधा किस पर आ जाएगी, कह रहे जी चेंज कर दिया, चेंज जाना चाह रहे हैं मोबाइल बिजनेस पर, मोबाइल फोन्स पर जाना चाह रहे हैं, लेकिन उस मोबाइल फोन्स पर जाने के लिए क्या जरूरी है, कह रहे जी अपनी मनी रेज किए प्रोस्पेक्टस के थ्रू, सपोज 100 रुपी रेज किए हैं कि हम वेबकम का बिजनेस करेंगे, लेकिन उसमें से 80 रुपीज आप स्पेंड कर चुके, अभी 20 रुपीज आपका अनयूटिलाइज अमाउंट रहता है, एंड स्टिल हैज एनी यूटिलाइज्ड अनयूटिलाइज्ड अमाउंट, एनी अनयूटिलाइज्ड कुछ भी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है तभी आप इस काम को कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलते हैं जी, इश्यू ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, डीवीआर याद होगा, डीवीआर तो याद होगा ना, भूले तो नहीं ना। चलिए नेक्स्ट, वेरिएशन इन राइट अटैच टू क्लास और शेयर डिवेंचर और अदर सिक्योरिटी, मतलब कि उनके जो क्लास के जो वेरिएशन थे, वेरिएशन थे, वेरिएशन कर सकते हैं, नॉर्मली वेरिएशन नहीं कर सकते, कर सकते अगर 3/4 यस कर दे तो, पढ़ा था याद होगा, यस तो उनके लिए सभी मेंबर्स की रहमती की जरूरत, बाय बैक सेक्शन 68 हमने पढ़ा। डायरेक्टर को इलेक्ट करना, इलेक्ट करना डायरेक्टर का चूज किया जाना कि कौन अब डायरेक्टर होगा, सभी मेंबर्स की सहमति ली जानी चाहिए। सेल ऑफ होल ऑफ अंडरटेकिंग और सब्सटेंशियल पार्ट, यस उसका कुछ हिस्सा, या तो एक पूरी की हमारी पूरी की पूरी कंपनी जो है उसके पूरा का पूरा वही किसी और को ट्रांसफर कर दे या सेल कर दे, या कहना चाह रहे हमने पूरा ट्रांसफर नहीं कर रहे, उसकी कुछ ब्रांच हम ट्रांसफर कर रहे। सपोज एक कंपनी है ए बी सी लिमिटेड, ठीक है, इस कंपनी की बी ब्रांच को हम सेल आउट करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं बिल्कुल सकते हैं, सी ब्रांच को कर सकते हैं बिल्कुल सकते हैं, ए बी सी पूरी कंपनी को किसी को कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, सभी मेंबर्स की नीड है, सभी मेंबर्स की सलाह की नीड है। नेक्स्ट कहते हैं क्या, गिविंग लोन्स, लोन्स दे सकते हैं बिल्कुल दे सकते हैं, किसको दे सकते हैं, जो लिमिट है स्पेसिफाइड लिमिट है उस लिमिट से बाहर जाकर नहीं करना, आप किसी को लोन दे सकते हो बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन कंपनी ने प्रेस्क्राइब करवाया कि हमारी जितनी पेड अप शेयर कैपिटल है या हमारी जितने भी फ्री रिजर्व है जो भी हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम, इसकी हमने लिमिट बनाई कि इससे ज़्यादा हमें लोन नहीं देना है, अगर आप उस लोन को एक्सीड करना चाहते हो यू हैव टू आस्क फ्रॉम ऑल ऑफ योर मेंबर्स, क्लियर, सिंपली वन पर्सन कंपनी अदर कंपनी इस क्राइटेरिया से बाहर है, मतलब उनको कोई बिजनेस नहीं करना पड़ता है क्या, प्राइवेट कंपनी तो होती है 200 मेंबर वाली, इसके लिए प्राइवेट कंपनी लिख लें यहाँ पर, ये कंपनी इस रिव्यू से बाहर है, इनको कोई टेंशन नहीं है।
Shall in respect of such center government may notify transaction only by means of yes वही बात वाले कि केवल और केवल ये business किए जाएंगे and कह रहे जी that a company may in respect of any other business other than ordinary business ये business जो ordinary नहीं होने चाहिए पहली बात जो भी हम पोस्ट बेट से कर रहे हैं एंड एनी बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑर्डर हैव अ राइट टू बी हर्ड एट एनी मीटिंग कह रहे एंड एनी बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डायरेक्टर ऑर्डर को पूरा राइट है बोलने का बिल्कुल उनकी बात सुनी जानी चाहिए ट्रांजेक्टेड बाई मीन जो पोस्ट बेट जो पोस्ट बेट से जो भी डिसीजन लिए जाने हैं उनमें डायरेक्टर्स प्लस ऑर्डर्स का राइट है उनको मीटिंग में बोलने का पूरा अधिकार होना चाहिए उनकी पूरी बात सुनी जानी चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांजेक्टिंग सच बिजनेस एट सिंपली कि जो भी बिजनेस उसमें किए जाते हैं उनके अलावा जो भी हम बात कर रहे हैं वो सारे के सारे बिजनेस अलग बिजनेस हैं जो लिस्ट बना दी गई है नाम क्या है पोस्टर ब्रेड एक बार आपको बता देता हूँ बच्चों होमवर्क आपका क्या होमवर्क है ध्यान सुनिएगा जो भी ये लिखा हुआ है पोस्टल बैलेट ठीक है इस पोस्टर बैलेट में ही इन सभी वर्ड्स का नाम छुपा हुआ है कि कंपनी क्या का काम नहीं कर सकती प्रोहिबिशन क्या नहीं कर सकती ऑब्जेक्ट क्लोज क्या है सेल क्या है ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है और मुझे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास क्या जैसे आप इस वीडियो को खत्म करेंगे वैसे आपको ये टॉपिक्स समझ में आ जाएगा समझ आने के बाद आप नोटबुक पर नोट करेंगे या आप सीधा मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि सर हमको ये समझ में आया इसमें ये बात होनी चाहिए मैं एक पॉइंट बताता हूँ बी जैसे बाय बैक है क्लियर ए मतलब आर्टिकल्स है क्लियर एल मतलब लोन है ऐसे ही बहुत सारे इसमें पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट्स कैसे याद हो जाएंगे आपको केवल और केवल पोस्टेबिलिटी आपको पढ़ना है उसी से आपको सारे सारे पॉइंट्स माइंड में सेट हो जाएंगे क्लियर चलिए समझ आ गया कि पोस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है ये किन किन बिजनेस के लिए किया जाना चाहिए अब कहते हैं हर चीज़ का कुछ ना कोई तरीका तो होता है कोई प्रोसीजर तो होता है इसका भी कोई प्रोसीजर है 100% प्रोसीजर है वो क्या किया जाना चाहिए बात करते हैं वो कैसे किया जाना चाहिए प्रोसीजर क्या कहते हैं सबसे पहला आपको जो है वो भेज जाएंगे नोटिस भेजा जाएगा बिल्कुल नोटिस भेजा जाएगा कैसे भेजा जाएगा जैसे नॉर्मल नोटिस भेजता है स्पीड पोस्ट से भेजो या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो नो प्रॉब्लम ईमेल से भेजो मेल आईडी से भेजो कुरियर से भेजो जैसे भी सेक्शन 20 आपका लग जाता है ठीक है ना कि नोटिस कैसे भी जाना चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप जाके एडवर्टीजमेंट भी पब्लिश करेंगे कहाँ पर न्यूज़पेपर में न्यूज़पेपर भी कौन सा जो कि रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर आसपास के एरिया में हो वो रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पर जो भी लैंग्वेज बोली जाती हो उस लैंग्वेज का आप क्या छपवाएंगे एक एडवर्टीजमेंट उस एरिया में जहाँ पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसमें आप वो एडवर्टीजमेंट को पब्लिश करवाएंगे कौन सी लैंग्वेज में टू लैंग्वेज वन इंग्लिश लैंग्वेज एंड अदर वन इज वर्नाकुलर लैंग्वेज क्लियर कहते हैं जी वो क्या बताएगा और एक स्टेटमेंट भी देंगे उसमें ये लिखा जाएगा कि जो भी बिजनेस किया जाएगा पोस्ट बैलेट के थ्रू ओनली एंड ओनली इसमें पोस्ट बैलेट का ही यूज किया जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी आपके शामिल है ये कुछ बातें कि किस दिन हमारा सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा किस दिन से हम पोस्ट बैलेट रिसीव करने लगेंगे किस दिन उसकी कंप्लीशन डेट होगी उसकी लास्ट में आप वोटिंग कब तक कर सकते हैं जैसे आप कहते हैं ना बच्चों सारे गामा लीडिंग चैंप्स के आप इतने समय तक वोटिंग कर सकते हैं वोटिंग लाइन्स इतने बजे तक खुली है इतने बजे तक वोटिंग लाइन्स आर ओपन टिल 9 AM आफ्टर दैट इट विल नॉट बी कंसिडर्ड तो वैसे ही सिस्टम इसमें भी रहता है तो क्या कह रहा था चलिए एक बार रूल नंबर 22 को अपन पढ़ देते हैं वो क्या कहता है कंपनी शैल नोटिस टू ऑल इट्स शेयर होल्डर 100% वो बात तो सच है अपने सभी शेयर होल्डर को वो नोटिस भेजेगी कितने को ऑल मतलब 100% किसी को भी नहीं छोड़ेगी पोस्ट बुलेट एड डिटेल लोग कैसे भेजेगी अलॉन्ग विद ड्राफ्ट रेजोल्यूशन एक्सप्लेनिंग द रीजन कि भाई ये हम क्यों कर रहे हैं हम काम क्यों कर रहे हैं कि आपने आप अपनी हाँ या ना एसेंट और डिसेंट या तो अपनी यस करो या अपनी नो करो इन राइटिंग पोस्ट बुलेट कितने दिन के अंदर अंदर 30 दिन के अंदर अंदर मेन बात यह है 30 दिन के अंदर अंदर कम से फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ द नोटिस नोटिस के डिस्पैच होने के 30 डेज के अंदर अंदर आप हमें अपनी लिख कर भेज दीजिए सर नंबर बड़ा सिंपल है ना बच्चों आपके पास कुछ लेटर आता है कि बच्चों कि आप टेस्ट देने के लिए रेडी हैं लिख कर दे दीजिए व्हाट्सएप पे दे दीजिए सिंपल कितना देर लगेगा अगर आप रेडी हैं तो भी बता देंगे नहीं रेडी हैं तो भी बता देंगे मतलब एसेंट भी दे देंगे और डिसेंट भी दे देंगे व्हाटएवर ओके तो नोटिस कैसे भेजना चाहिए वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नेक्स्ट
अरे डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस, के डिस्पैच की डेट लास्ट डेट क्या है कि किस दिन ये डिस्पैच फाइनली हो जाएंगे, इसके बाद कुछ भी डिस्पैच नहीं होगा। वोटिंग किस दिन से ओपन रहेगी, मतलब वोटिंग ओपनिंग डेट कौन सी, ओपनिंग डेट ऑफ वोटिंग। ओपनिंग डेट ऑफ वोटिंग कब रहेगी, और क्लोजिंग डेट ऑफ वोटिंग सिंपली एंडिंग ऑफ वोटिंग का क्या मतलब हुआ, क्लोजिंग डेट, और कोई मतलब थोड़ी है कि जिस दिन आपकी वोटिंग खत्म हो जाएगी उस दिन की बात कर रहे हैं। कह रहे जी क्या उसके बाद कोई मेंबर भेजेगा, अगर उसके बाद मतलब कौन सी, जो लास्ट डेट हमने फिक्स की है उसके बाद कोई भेजेगा तो हम उसको बोल देंगे कि ये वैलिड नहीं है बच्चों, ये वैलिड नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं आपने, हम ये मानकर चलेंगे ये आपने भेजी ही नहीं, हम ये मानकर चलेंगे आपने भेजी ही नहीं है। क्या कहेंगे, एक स्टेटमेंट दैट एनी पोस्टल बैलेट रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर बियॉन्ड द सेट लिमिट एक्सीडिंग द लिमिट, जो भी लिमिट है लास्ट डेट से बाद, द सेट लिमिट विल नॉट बी वैलिड एंड वोटिंग देयर बाय पोस्टल सिलेक्ट शैल नॉट बी अलाउड बियॉन्ड द सेट लिमिट, मतलब अल्टीमेटली इट विल बी कॉल्ड। और डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की मांग कर सकते हैं, और एक ऑफिसर का मेंबर नंबर भी दे रहेगा, एक पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल होगा कि कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत होती है इसके लिए आप कॉन्टेक्ट कीजिए यहाँ पर। कभी आप बैंक्स में गए हो, Have you ever traveled to the bank? Simply, आप कभी भी बैंक में आपने एंट्री किया तो बैंक में आप देखेंगे कि वहाँ पर एक लेटर लिखा होता है, इतना बड़ा आपका बोर्ड लिखा होता है, उस बोर्ड पर लिखा होता है इन केस ऑफ एनी कंप्लेन वी आर प्रोवाइडिंग द नंबर्स ऑफ आर सुपरिंटेंडेंट फलाना दिखाना, ऐसा नंबर दिया होता है तो यस यू हैव टू कॉन्टेक्ट देम। कॉन्टेक्ट डिटेल किसकी दी गई, जो पर्सन उन चीज़ों को हैंडल करेगा उसकी सारी डिटेल वहाँ पर दी जाएगी, और साथ ही साथ ये डिटेल कहाँ पर दी जाएगी, आपकी वेबसाइट पर भी ये डिटेल बच्चों को दी जाएगी, कंपनी की वेबसाइट पर भी ये डिटेल दी जानी चाहिए जब नोटिस भेज रहा है, कि नोटिस जो इस डेट के बाद एक्सेप्टेंस नहीं होगी इनको, मतलब कुछ भी इनकी वैल्यूएशन नहीं रहेगी, इनको छोड़ दो, इसके बाद ये बेकार हो जाएंगे। क्लियर, अब क्या करेगा इसका, ये सब काम हो गया, अब वोटिंग हो गई तो उस वोटिंग का कह रहे जी, उस वोटिंग का एक्चुअली में उस वोटिंग का आंसर जो चाहिए कि किस बंदे ने यस किया किस बंदे ने नो किया, इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसके लिए बच्चों एक अपन क्या अपॉइंट करेंगे जिसको बोलते हैं अपन स्क्रूटनाइजर। स्क्रूटनाइजर मतलब ए पर्सन ऑफ आउटसाइड द कंपनी, वी कैन से ही द पर्सन शुडंट बी द इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, द पर्सन शुड नॉट बी इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, पर्सन जो है कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए, एंड ही मस्ट विलिंग टू डू द वर्क ऑफ दैट स्क्रूटनाइजर, मतलब उसकी इच्छा होनी चाहिए यार मैं स्क्रूटनाइजर का काम करना चाहता हूँ, मैं स्क्रूटनी करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, मैं इस काम को अच्छे से करता हूँ, मेरे को इस काम को करने में अच्छा लगता है, तो उसकी इच्छा हो नंबर एक वो बात, नंबर दो द पर्सन शुडंट बी इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। अब ये कौन कौन हो सकता है, लिखा नहीं हुआ आप लिख लीजिएगा, ये कौन कौन हो सकता है बच्चों ध्यान से लिखिएगा, ये जो हो सकता है आपका, ये हो सकता है आपका सीए, सीएस, सीएमए, यस बिल्कुल हो सकता है, इन प्रैक्टिस बिल्कुल हो सकते हैं, और ये कौन सा हो सकता है स्क्रूटनाइजर, और साथ में एम्प्लॉयमेंट में तो ये होने ही नहीं चाहिए, इन प्रैक्टिस इसीलिए बोला, जैसे मैंने बोला क्या बोला इन प्रैक्टिस, इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। क्लियर, चलिए तो पोस्टल बैलेट जब रिसीव हो गए तो इसे एक बंदा हो गया, इसके पास सब लोगों के जितने भी आंसर आए वो सारे के सारे डिटेल एक बॉक्स में बनकर इसको दे दिए जाएंगे। रिसीव्ड बैक फ्रॉम द शेयर होल्डर शैल बी केप्ट इन सेफ कस्टडी, सेफ कस्टडी में रख लिए जाएंगे। फाइनली नो पोस्टल बैलेट शैल बी डिफेस्ड और डिस्ट्रॉयड और डिक्लेयर द आइडेंटिटी ऑफ द शेयर होल्डर, कह रहे हैं कोई भी पोस्टल बैलेट डिफेस्ड नहीं होगा और डिस्ट्रॉयड नहीं होगा और डिक्लेयर नहीं करेगा कि आइडेंटिटी शेयर होल्डर की, ये भी नहीं बताएगा कि क्या शेयर होल्डर की आइडेंटिटी, मतलब देखने में तो सबको ऐसा लगेगा वो बॉक्स में बंद है। सिंपली अपनी रिपोर्ट पे रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट कितने दिन के अंदर अंदर बनाएगा,
जैसे ही उसको मिल जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट फाइनली, लास्ट डेट ऑफ फाइनल पोस्ट ग्रेजुएट की रिसीट की जो लास्ट डेट होगी विद उसके 7 दिन के अंदर अंदर, मैक्स टू मैक्स, कह रहे जी नोट लेटर देन 7 डेज, 7 दिन से ज्यादा नहीं, नोट लेटर देन 7 डेज, 7 डेज 1 दिन में दे दे, 2 दिन में दे दे, 4 दिन में दे, 5 दिन में दे, 6 दिन में दे दे, 7 दिन के अंदर अंदर दे दे, 7 दिन से ऊपर नहीं, मैक्स टू मैक्स 7 डेज, लिख लीजिएगा मैक्सिमम 7 डेज। वो रिपोर्ट तैयार कर दे फाइनली। अब वो रिपोर्ट कैसे रख सकता है, कुछ भी, एक रजिस्टर बनाएगा, रजिस्टर में एंट्री करेगा, हाँ इसका नाम पता एड्रेस इलेक्ट्रॉनिकली बना सकते हैं, एक्सेल शीट में बनाए, वर्ड शीट में बनाए, नो प्रॉब्लम। पोस्ट ग्रेजुएट ऑल पेपर्स जो सेफ कंटेनर में रखेगा जब तक वो चेयरमैन को नहीं देता और चेयरमैन इसको अप्रूव नहीं करता, अपने साइन नहीं करता। चेयरमैन जब साइन कर देगा तो इसके बाद किसको देगा, अगेन स्क्रूटनाइजर को दे देगा, और स्क्रूटनाइजर उनको क्या करेगा, वापिस उनको कंपनी को दे देगा, कंपनी को दे देगा, रजिस्टर वगैरह जो भी मेंटेन होंगे और कंपनी उनको संभाल कर रखेगी। 30 दिन के बाद किसी भी वैल्यू नहीं रहेगी, चाहे कोई भी हाँ करे चाहे ना करे। फाइनली कहते हैं रिपोर्ट कहाँ पर आ जाएगी, वेबसाइट पर छप जाएगी, साथ साथ किसकी रिपोर्ट, स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट के साथ वो वेबसाइट पर छप जाएगी। बात समझे, चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ कि क्या कहना चाह रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट मीन्स एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन विच, any sort of decision, oblique resolution, in which company feels a need of involvement of all of the members. These types of decision must be taken by them, oblique, all of the members. They say yes, oblique no. They can go for assent, their assent or rejection, simply no issue. Okay? Chalo. अब बात करते हैं क्या कह रहे हैं, प्रोसीजर हो सकता है, डिमांड शो पेंट्स कुछ भी हो सकता है। यस, बात करते हैं बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड पोस्ट ग्रेजुएट, जो हमने बात किया था अभी, पोस्ट ग्रेजुएट मेमोरेंडम ये वो सारी बातें, वोटिंग नहीं करनी है कैसे, पर्सनली कैसे करो, पोस्ट करो या इलेक्ट्रॉनिकली करो, कैसे भी करो, पोस्ट ग्रेजुएट मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर बता दिया, पोस्ट ग्रेजुएट आपको याद रखना चाहिए, कह रहे सारे प्रोसीजर देने चाहिए, सारे शोल्डर्स को जाएगा 30 दिन के अंदर अंदर उसको उनको यस और नो अपनी देनी है, रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर कैसे भी दो, नो प्रॉब्लम, उनको भेज दो बस। और साथ ही साथ के एडवर्टीजमेंट भी छपवा दो, कहाँ पर, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके आसपास के एरिया में, वर्नाकुलर लैंग्वेज, सपोज बेंगलुरु में है तो कर्नाटका का, कर्नाटका में जो लैंग्वेज होते हैं वो प्लस में इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश तो ऑलमोस्ट सब जगह बोली ही जाती है, दैट्स व्हाई इंग्लिश हैज बीन टेकन। ओके चलिए, तो लास्ट डेट कंप्लीशन की, लास्ट डेट भेजने की, लास्ट डेट आने की, लास्ट डेट, ये सारी डिटेल्स आपको दे दी जाएगी, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम दे दिया जाएगा, स्क्रूटनाइजर अपॉइंट किया जाएगा, स्क्रूटनाइजर कौन होगा, CACSM में इन प्रैक्टिस जो भी होगा वही होगा, क्लियर, और वो कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में नहीं होगा, लिख लीजिए बच्चों, नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, एंड ही मस्ट बी विलिंग टू डू द वर्क ऑफ दैट स्क्रूटनाइजर। ओके चलिए, बाद में कह रहे हैं कोई खराब आएंगे, फटे हुए आएंगे या खराब आएंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और फाइनली वो अपनी रिपोर्ट दे देगा, लास्ट लास्ट कितने दिन में अपनी रिपोर्ट दे देगा, जिस दिन उसको लेटर रिसीव हुए, जिस दिन उसको रिसीव हुए सारे पोस्ट ग्रेजुएट, उसके लास्ट लास्ट कितने दिन में, 7 डेज के अंदर, क्या 2 दिन में दे सकता है, यस, 5 दिन में दे सकता है, यस, 6 दिन में दे सकता है, यस, 7 डेज में दे सकता है, यस, 8 दिन में, आंसर इज नो, 8 दिन में नहीं देगा, 7 डेज में, तो फाइनली कैसे भी तैयार कर सकता है, फिजिकली मैनुअली, यस, कैसे भी जैसे उसको अच्छे लगे, मैनुअली इलेक्ट्रॉनिकली वैसे वो तैयार कर सकता है, क्लियर। चलिए क्या कहते हैं, कंपनी शैल प्रिजर्व सच रिकॉर्ड, संभाल कर रखेगी, यस, हम बिल्कुल संभाल कर रखेंगे, और अपनी वेबसाइट पर भी उसका डिटेलिंग दे देगी। ओके बच्चों।